वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन के बारे में। पाइथन की हमारी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या है, यानी हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, स्कोप इन पाइथन, हमारी पाइथन की फील्ड के अंदर क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पाइथन एप्लीकेशंस, पाइथन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हु यूजेस पाइथन टुडे, आज के टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो पाइथन को यूज़ करती है, हम वो डिस्कस करेंगे। वाई पाइथन, सिर्फ पाइथन ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों जिसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर, कोई अदर लैंग्वेज क्यों नहीं, हम वो डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट कि टू थिंग्स जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगी हमारी लाइब्रेरीज इन पाइथन, हमारी पाइथन के अंदर कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज है जिनके अंदर आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड्स है। एंड देन लास्ट हम डिस्कस करेंगे सैलरी स्टैटिस्टिक्स जो कि प्रोवाइड की गई हैं सर्वे के थ्रू कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है या एवरेज सैलरीज जो है प्रोवाइड की जाती है एज ए पाइथन डेवलपर एंड एज अ पाइथन फील्ड इंडिविजुअल। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पाइथन से, यानी पाइथन हमारी होती क्या है। तो पाइथन जो है हमारी एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जो कि वर्क करती है इंटरप्रेटर पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है, हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से रिलेटेड। तो पाइथन जो है हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, जिसका सिंटेक्स, जिसकी फंक्शनिंग जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, उसे बोला जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ जो है पाइथन हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, वो खुद ही के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है, यानी जो भी हम प्रोग्राम टाइप करेंगे वो उसी के सॉफ्टवेयर के अंदर रन होगा, उसी की फंक्शनैलिटीज उसके अंदर डेवलप होगी। लेकिन पाइथन जो है प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर जो है हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, जैसे हम पाइथन की हेल्प जो है किसी और सॉफ्टवेयर को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो हमारी कहलाएगी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है, बिकॉज इसका जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। इसकी जो कोड की ड्यूरेबिलिटी रीडेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, और कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो इजीली मेंटेनेबल है, यानी अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आता है या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है हमारे थ्रू इन सिंटेक्स, तो उसको जो है हम इजीली चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसका सिंटेक्स जो है इजीली रीडेबल है एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। तो अब डिस्कस करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन कहाँ से डेवलप की गई, किसने इसे डेवलप किया और कब ये डेवलप हुई। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी गाइडो वैन रोसम ने। गाइडो वैन रोसम जो है नेदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली 90s, और हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो फरवरी 1991 में जो है पाइथन को डेवलप करना स्टार्ट किया था, और नेदरलैंड के अंदर ये जो है इन्वेंट हुई थी अर्ली 90s के अंदर। और नेदरलैंड्स का एक फेमस टीवी शो था मोंटी पाइथन, जिसके बेस पे जो है गाइडो वैन रोसम जो कि साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम जो है डिस्कवर किया पाइथन, जो कि था एक फेमस टीवी शो के नेम पे, नेम्ड एज मोंटी पाइथन इन नेदरलैंड। और अब जो है हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि पाइथन की फील्ड में इस टाइम पे जो है बहुत ही वास्ट वे में जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहला, अगर आप पाइथन की फील्ड के अंदर जो है कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आपकी पाइथन की फील्ड में जो है एक बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकती है और उसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो पाइथन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं आज के टाइम पे जो कि बहुत ही ज़्यादा बूमिंग फील्ड हैं, और इसके अंदर जो है आप पाइथन की हेल्प से अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन एप्लीकेशंस, यानी पाइथन को हम किन किन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि पाइथन के थ्रू जो है रन होती है। तो अब अगर मैं कुछ फील्ड्स की बात करूँ, जैसे वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस, GUI होता है हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज हम बात करते हैं मैक ओएस एक्स की, लिनक्स की, विंडोज की, तो जो भी उसका डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस है वो जो भी है वो पाइथन की हेल्प से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक वे में जो है पाइथन का यूज होता है,
हमारी एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं, वो भी जो है आज के टाइम पे पाइथन का यूज करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में हम पाइथन में कैरियर बना सकते हैं, और एजुकेशन की फील्ड में जो है पाइथन की एप्लीकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है आज के टाइम पे, बिकॉज पाइथन की डिमांड और डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है आज के टाइम पे सेक्टर में कि इसकी फील्ड्स के फैकल्टीज़ और टीचर्स जो हैं वो बहुत ही कम है। इसी वजह से एजुकेशन भी जो है एक पाइथन की एप्लीकेशन है। बिजनेस एप्लीकेशंस में आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स। आज के टाइम पे जितनी भी हाईली ग्राफिक्स बेस्ड जो है गेम डिज़ाइन हो रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं, या हमारे रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी गेम्स रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय हो रहे हैं वो सभी जो है पाइथन की हेल्प से क्रिएट हो सकते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है पाइथन के एप्लीकेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटाबेस एक्सेस। आज के टाइम पे जितनी बड़ी कंपनीज है या अगर मैं बात करूँ किसी भी नॉर्मल पीपल की, उन सभी के पास जो है एक लार्ज अमाउंट में डेटा जो है प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसिस लाइक MySQL, MongoDB, ये कुछ ऐसे डेटाबेस है जिसको आप पाइथन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो आप पाइथन की हेल्प से जो है यूज़ कर सकते हैं, और इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है आप इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग पाइथन। तो जैसे कि मैंने एजेंडा में डिस्कस किया था हु यूजेस पाइथन टुडे, आज के टाइम पे पाइथन कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज है जो यूज करती हैं, तो इंस्टाग्राम, गूगल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ऊबर, पिंटरेस्ट, रेडिट, ये कुछ ऐसी वेल नोन कंपनीज हैं जो कि पाइथन का हाईली अमाउंट में यूज करती हैं। और बात करें अगर हम ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाकार्ट, लिफ्ट, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो पाइथन को यूज़ करती हैं आज के टाइम पे इंडस्ट्री में। तो ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं पाइथन का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम पाइथन ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, किसी अदर लैंग्वेज के बारे में क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं जनरल वे में डिस्कस करता हूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इज जस्ट अ टायर ऑफ एन कार। जैसे हमारे कार के अंदर 4 टायर्स होते हैं, इसी तरह हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हमें हमारी इंडस्ट्री को रन करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं या टायर्स हम बोल सकते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सपोज पाइथन, C++, जावा, सी, कोटलिन, ये बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं इंडस्ट्रीज में यूज होती है। बट पाइथन को क्यों इतनी जो है अहमियत या इम्पोर्टेंस दी जाती है इंडस्ट्री के अंदर, उसके एडवांटेजेस ही कुछ ऐसे हैं कि पाइथन को जो है एक अपर हैंड रखा जाता है अदर देन अदर लैंग्वेजेस। तो अब हम जो है कुछ पाइथन के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। पाइथन जो है इजी एंड फ्री टू यूज़ है, फास्ट डेवलपमेंट है, इजीली कंपैटिबल है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक्सटेंसिबल है। तो ये सारे कुछ जो है पाइथन के एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर जो है फ्री एंड इजी टू एक्सेस एंड यूज। पाइथन को जो है कोई भी इजीली यूज कर सकता है बिकॉज इसका सिंटेक्स जो है बहुत ही इजी है, फास्ट डेवलपमेंट है, बहुत ही फास्टली जो है आप अपने कोड को डेवलप कर सकते हैं किसी भी पाइथन कोड एडिटर के अंदर, इजीली कंपैटिबल है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है पाइथन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक OS X हो। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो है पाइथन लैंग्वेज को है, वो है इसकी एक्सटेंसिव एंड वास्ट लाइब्रेरीज। आज के टाइम पे पाइथन के अंदर इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज प्रेजेंट है कि पाइथन जो है हर एक फील्ड में अपने आप को ग्रो कर चुका है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आप कुछ 3 या 4 लाइब्रेरीज को कम्प्लीटली लर्न कीजिए और आप उस फील्ड के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर हो चुके होंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो अभी जो है इसी वीडियो के अंदर जो है हम कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज का डिस्कस करेंगे जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है हेल्पफुल हो सकती है। फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड, आप जो है बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड टाइप करके जो है बहुत बड़े बड़े टास्क को जो है कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको फेस रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट एक डिज़ाइन करना है जिसमें जो है किसी भी पिक्चर के अंदर फेस रिकॉग्नाइज हो कि हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन द पिक्चर, तो इसके लिए जो है आपको सिंपली 20-30 लाइंस का कोड जो है टाइप करना है और आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड के हेल्प से जो है हम बड़े बड़े टास्क को जो है कंप्लीट कर सकते हैं।
देन वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पाइथन जो है ऑब्जेक्ट्स टॉपिक पे बेस्ड है, जिसकी वजह से इसे पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। और इसकी एक्सटेंसिबिलिटी जो कि जो है कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, ये जो है कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज के, जो कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री में पाइथन को एक अपर हैंड क्रिएट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लाइब्रेरीज के बारे में, जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है एज ए पाइथन, अगर आप उस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो। सबसे पहले आता है हमारा गेम डेवलपमेंट। अगर मैं गेम डेवलपमेंट की बात करूँ तो उसके लिए आपको ये पांच ऐसी कुछ लाइब्रेरीज हैं, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो आप जो है गेम डेवलपमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पाइथन अपना कैरियर जो है क्रिएट कर सकते हैं। पाई गेम, पाइगलेट, पाई ओपन जी आई, आर्केड एंड पांडास 3D। तो ये जो टॉप 4 लाइब्रेरीज हैं ये हमारी गेम को डेवलप करने में यूज़ होगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम किसी भी गेम की बात करें उसके अंदर जो है हमारा डेटा स्टोर होता है और हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो ग्राफ्स की हेल्प से जो है शो की जाती है। तो पांडास 3D जो है हमारी ग्राफिंग और प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ होती है। और ये पांच ऐसी लाइब्रेरीज है, अगर आप इनको कम्प्लीटली लर्न कर लेते हैं तो आप गेम डेवलपमेंट के अंदर अपना कैरियर इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। नेक्स्ट वी हैव फील्ड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक या ऐसी टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो है हम मशीन को जो है ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। यानी हम मशीन को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, यानी हम बहुत ज़्यादा मशीन को प्रोग्राम नहीं करेंगे, मशीन जो है खुद डेटा से जो है सीखेगी और अपने आउटपुट्स को क्रिएट करेगी। तो अगर आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में अपना कैरियर क्रिएट करना है तो ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं लाइक टेंसर फ्लो, कैरास, थियानो, साइकिटलर्न एंड पाइटोर्च। ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपको हेल्प करेगी। देन वी हैव वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट भी जो है आज के टाइम पे बहुत ही एक वास्ट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एंड डिमांडिंग जो है फील्ड है, जिसके लिए आपको जेंगो, फ्लास्क, बोटल, चेरी पाई, पिरामिड, ये पांच ऐसी पाइथन की लाइब्रेरीज अगर आप कंप्लीटली लर्न कर लेते हैं तो आप एज अ वेब डेवलपर विद द हेल्प ऑफ पाइथन जो है इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव ऑटोमेशन टेस्टिंग लाइब्रेरीज। हम सभी जानते हैं हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सभी को जो है कंपनीज लॉन्च करने से पहले टेस्ट करती है। तो उन सभी के लिए जो है टेस्टिंग के लिए भी जो है पाइथन के अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर को, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है टेस्ट कर सकती हैं। उसके लिए हमारी लाइब्रेरीज कुछ हैं स्प्लिंटर, रोबोट, बिहेव, पाई यूनिट और पाई टेस्ट। ये पांच ऐसी लाइब्रेरीज हैं, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग फील्ड्स में भी जो है अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डेटा साइंस। अगर मैं बात करूँ डेटा की, आज के टाइम पे चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, हर एक पर्टिकुलर कंपनीज के पास जो है ह्यूज अमाउंट में डेटा जो है प्रेजेंट होता है। बट कंपनीज को डिसीजन लेने के लिए जो है उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है यूजफुल डेटा में, और उसे जो है ग्राफ्स की फॉर्म में जो है कंपनी चेक करती है एंड उसके बेसिस पे जो है अपने नेक्स्ट डिसीजन जो है कंपनीज लेती है। तो डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि क्या करती है, यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है और उसे ग्राफ्स में प्लॉट करती है, जिससे कंपनीज को हेल्प होती है अपने नेक्स्ट डिसीजन लेने में। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसके लिए आपको इन लाइब्रेरीज का डिस्कस करना पड़ेगा। मैटप्लॉटलिब, जेनसिम, टेंसर फ्लो, साइकिटलर्न, नमपाई, ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं तो आप डेटा साइंस फील्ड्स में भी जो अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पाइथन के एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, जहाँ पे था एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, तो यही वो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो क्या करती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है कैरियर क्रिएट करने में हेल्प करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज के टाइम पे बहुत सारी पाइथन की ऐसी लाइब्रेरीज प्रेजेंट है जो कि किसी भी फील्ड में कैरियर क्रिएट करने के लिए सफिशियंट है। तो लास्ट अब हम बात करेंगे एवरेज एनुअल सैलरी की। अब हमने पाइथन के एडवांटेजेस डिस्कस किए, पाइथन की एप्लीकेशंस डिस्कस की, हमने ये डिस्कस किया हु यूजेस पाइथन टुडे इन इंडस्ट्री, पाइथन को इंडस्ट्री में आज के टाइम पे कौन यूज करता है, और लास्ट में भी हमने कुछ ऐसी लाइब्रेरीज डिस्कस की जो कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है अपना कैरियर क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। बट अब हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया है तो एज अ पर्सन जो है आप पाइथन लर्नर तो है, बट आपकी सैलरी कितनी होगी? अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें इन इंडिया इन रुपीज करेंसी, तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमने लिया है और कंपनीज के थ्रू जो है इस डेटा को चेक किया गया है और करेक्टली इसे यहाँ पे मेंशन किया गया है एट द एग्जैक्ट अमाउंट। तो अगर आप पाइथन की फील्ड में एज अ वेब डेवलपर जाते हैं तो आपकी अराउंड 3 लाख सैलरी होगी एनुअल सैलरी, अगर हम एवरेज की बात करें। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप फील्ड में ग्रो करते हैं तो समथिंग अमाउंट
होगा आपका अराउंड 5 लाख। डेवोप्स इंजीनियर कि आप फील्ड में अगर ग्रो करते हैं देन अराउंड 6.5 लाख आपका कुछ अमाउंट होगा एवरेज एनुअल सैलरी का। मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में अगर आप ग्रो करते हैं इन पाइथन फील्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन देन यू हैव सैलरी एवरेज एनुअल सैलरी अराउंड एट 7 लाख। बट दिस इज द नॉट फिक्स्ड सैलरी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए पर्टिकुलर कंपनी दैट प्रोवाइड्स। ये जो है हमारा कुछ एवरेज डाटा है जो कि कंपनीज के थ्रू सर्वेस के थ्रू जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन इंडस्ट्री, और ऐसी बहुत ही यूजफुल वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।